मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में जो आज नहीं तो कल अपने पार्टनर के साथ होटल रूम जरूर जाएंगे, पर एक फैक्ट ये भी है कि आप में से मेजॉरिटी लोग सिंगल हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग भी शादी के बाद हनीमून मनाने किसी होटल रूम में जरूर जाओगे। तो चाहे आप सिंगल हो या मिंगल हो, एक चीज़ तो 100% श्योर है कि आपको एक ना एक दिन अपने पार्टनर के साथ किसी होटल रूम में जाना ही है। लेकिन होटल रूम्स में लगे इन स्पाई कैमरास से बचना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपका MMS बन गया ना एंड उस वक्त आपको अपने बचाव का तरीका नहीं पता, तो फिर ब्लैकमेलिंग का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसको चाह कर भी आप रोक नहीं पाओगे और ना ही किसी को बता पाओगे। एंड आप मेरी फैमिली हो एंड मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई ब्लैकमेल करे। सो क्रिमिनल लॉ में एक सेक्शन है, आम भाषा में बोलूँ तो एक रूल है, जिसका यूज़ करके लॉयर्स स्पाई कैमरास से एंड MMS बनने के बाद होने वाली ब्लैकमेलिंग से अपने क्लाइंट्स को बचाते हैं। एंड वो सेक्शन है सेक्शन 354C ऑफ इंडियन पिनल कोड। लेकिन ये सेक्शन सिर्फ फीमेल्स को प्रोटेक्ट करता है, आदमियों को नहीं। सो डेफिनेटली इस सेक्शन का यूज़ करके आप अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस सेक्शन के हिसाब से अगर कोई होटल वाला चुपके से आपकी गर्लफ्रेंड की या आपकी वाइफ की न्यूड वीडियो बनाता है, तो ये वॉयरिज्म कहलाता है एंड इसके लिए उस होटल वाले को मैक्सिमम 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये सब तो ठीक है, बट द क्वेश्चन हियर इज कि एक आदमी खुद को कैसे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि अगर किसी अकेले आदमी की न्यूड वीडियो कोई स्पाई कैमरा से रिकॉर्ड कर लेता है एंड उसके बाद उसको ब्लैकमेल करता है, तो ये सेक्शन तो अप्लाई होगा नहीं। डोंट वरी, उस केस में सेक्शन 384 ऑफ इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। एंड खुशी की बात तो यह है कि ये सेक्शन जेंडर न्यूट्रल है, इसके लिए आदमी औरत सब बराबर है। इस सेक्शन के हिसाब से अगर कोई होटल वाला आपका MMS बना लेता है एंड उसके बाद आपको ब्लैकमेल करता है, तो ये एक्सटॉर्शन कहलाता है, जिसके लिए उस होटल वाले को मैक्सिमम 3 साल तक की जेल हो सकती है। पर पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कि एक्सटॉर्शन सिर्फ तभी माना जाएगा जब पैसों को लेकर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होगी। सिर्फ आपकी न्यूड वीडियो बना लेना या आपका MMS बना लेना इज नॉट एक्सटॉर्शन, बट या इट कैन बी क्लासिफाइड एज प्रिपरेशन फॉर एक्सटॉर्शन। तो अगर कभी आपको आपके होटल रूम में स्पाई कैमरा दिखे या फिर आपका MMS बनाने के बाद कोई आपको ब्लैकमेल करने लगे, तो ब्लैकमेलर को पैसे देने से पहले आपको सबसे पहले अपने एरिया की पुलिस को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करोगे ना, तो ये ब्लैकमेलिंग की डिमांड स्टार्ट तो होगी पैसे मांगने से, लेकिन खत्म होगी आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ सेक्स करने की डिमांड्स पर। बट अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हो तो आप तो बच ही जाओगे, पर आपके साथ साथ वो हजारों कपल्स भी बच जाएंगे जो शायद फ्यूचर में इस होटल में रूम बुक करते और ब्लैकमेलिंग का शिकार बनते।